नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में तीर्थ यात्रा करना कैसा होता है। अगर स्वयं को आप तीर्थ यात्रा करते हुए देखते हैं तो इस सपने का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। छोटा सा वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं सपने में। अगर आप तीर्थ यात्रा देखते हैं तो ये शुभ फल सपना होता है या अशुभ फल देने वाला सपना होता है। अगर हम सपना शास्त्र की बात माने तो सपने हमारे भविष्य का दर्पण होते हैं। सपने हमें बताते हैं कि आने वाले समय में हमारे साथ में हमारे भविष्य में कौन सी घटनाएँ घट सकती हैं। ऐसे ही एक सपना आता है जिसमें आप स्वयं को तीर्थ यात्रा करते हुए देखते हैं। तो अगर ये आध्यात्मिक की दृष्टि से बात करी जाए तो ये सपना बेहद ही लाभकारी सपना होता है, शुभ सपना होता है। ये सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकते हैं। अगर आप किसी की शादी वगैरह या बुजुर्ग वगैरह हैं और किसी की शादी की देखना चाहते हैं तो आने वाले समय में आप जल्द से जल्द ये अवसर देख पाएंगे। आप किसी की शादी करके पूर्ण हो पाएंगे। वहीं कुछ लोग रिटायरमेंट लेना चाहते हैं अपने परिवार से। ऐसा होता है कि पारिवारिक जिम्मेदारियों को ख़त्म करके अपने आप को अपने जिम्मेदारी मुक्त बनाना चाहते हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों को यह सपना आए तो बहुत ही बढ़िया सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आपको जिम्मेदारी से मुक्त होने का अवसर मिल सकता है। इसके अलावा अगर बीमार व्यक्ति ये सपना देखता है जिसमें वह देखता है कि वह तीर्थ यात्रा कर रहा है तो ये बेहद ही मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में उसको तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप सपने में देखते हैं कि तीर्थ यात्रा करके आप वापस लौट रहे हैं तो ये अशुभ संकेत होता है। यह सपना हमें बताता है कि आने वाले दिनों में हम सुखद अनुभवों को छोड़कर सांसारिक मोहमाया में लौटेंगे, जिसकी वजह से हम फिर से दुख में जाएंगे। हमारे प्रभु दुख इसलिए देते हैं ताकि हम सुखी और लौटें। वहीं अगर हम सुख से दुखी और लौटना चाहते हैं तो वापस अध्यात्म की दृष्टि से वापस लौटते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार किसी तीर्थ यात्रा से लौटना अशुभ संकेत होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में आपके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दुख देखना पड़ेगा और जिसकी वजह से आप परेशान भी रहेंगे। यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है। भैया बात कर लेते हैं, अगर आप देखते हैं कि सपने में चार धाम यात्रा कर रहे हैं, नदी में स्नान कर रहे हैं, गंगा में स्नान कर रहे हैं, अगर ऐसा सपना आए तो ये मंगलकारी सपना होता है। इसका मतलब होता है कि आने वाले समय में अगर आप मनोवांछित चिंता से परेशान हैं, आपको टेंशन रहती है, कारोबार की टेंशन रहती है, या लड़के की विवाह नहीं हो रहा है, या लड़की का विवाह नहीं हो रहा है, या आपका बच्चा बेकार है, बिगड़ गया है, या आपको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत पूजा पाठ करते हैं, उनको संतान की प्राप्ति नहीं होती है। वे लोग ऐसे सपने देखते हैं जिसमें वह तीर्थ यात्रा के दौरान गंगा नदी में स्नान कर रहे हैं, भगवान को जल अर्पण कर रहे हैं, शिव शंभू को जलाभिषेक कर रहे हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनकी जो भी समस्या है वो समाप्त हो जाए। अगर ऐसा सपना आता है तो ये सपना निश्चित ही उनकी आने वाली सारी समस्याओं को ख़त्म करने वाला होता है। इससे उनको आने वाले समय में जो भी परेशानियां हैं तो उनको अंत होते हुए उनको दिखाई देगा। इसके अलावा भगवान यह संकेत देते हैं कि बेटा परेशान ना हो, आने वाले समय में आपको दिक्कतों से आपको निजात मिलेगा। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।